चेहला में महकमा हेल्थ और महकमा फॉरेस्ट डिवीजन ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया शजरकारी मुहिम में बीस हजार फालदार पौधे लगाए जाएंगे मौसम बहारा में शजरकारी मुहिम के तहत सीओ हेल्थ दफ्तर के हाथा में फालदार पौधे लगाए गए मौसम बहारा में शजरकारी मुहिम के तहत बीस हजार महकमा हेल्थ और महकमा फारे डिवीजन पौधे लगाएंगे मौसम बहारा शजरकारी मुहिम का मकसद शहर की खूबसूरती में मजीद इजाफा करना है ये आज जो हमने डी एच एफिस जिला में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का बायदा आगाज किया है और ये पहले ऐसी चल रही थी और इसमें जो हमारा टारगेट है हेल्थ डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट के तान से और डॉक्टर शजाना के तान से हम बीस हज़ार से ज़्यादा पौधे जो हैं वह सीज़न में लगाएंगे जिसमें जिस डिपार्टमेंट में पौधे लगाए गए हैं उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी उसी डिपार्टमेंट की है जहाँ तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात है तो जिन जिन एरिया पे शजरकारी हो रही है वहाँ पे बकायदा फॉरेस्ट गार्ड और ब्लॉक अफसर तैनात हैं जो उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं बेहतरीन इनिशिएटिव है जिसमें हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन डी एच और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शामिल है पौधे हमारे एनवायरनमेंट की हमारे माहौल की सफाई के लिए इंतई अहमियत के हामिल है क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं ये हमें शेड भी प्रोवाइड करते हैं ये हमें फ्रूट्स भी प्रोवाइड करते हैं और ये कई तरह से हमारे माहौल की सफ़ाई में और हमारे माहौल की बेहतरी में अपना किरदार अदा करते हैं एक फल दर्द लगाया उसने जन्नत में घर बनाया ये हदीस नब्बी है मैं ये कहूँगी कि हमें ज़्यादा साएदार दरहत लगाने की बजाय फलदार दरहत लगाने चाहिए ताकि गुरबत ख़त्म हो और जो गरीब लोग जो हैं वो इतना ज्यादा फ्रूट हो कि उनको खरीदने की जरूरत ही न हो सियो अलता के हाथ में आज फलदार पौधे लगाए गए हैं इस मुहिम के तहत अब तक 10 लाख से ज्यादा फलदार और फूलदार दरख्त लगाए जा चुके हैं इस मुहिम के तहत मज़ीद 20 लाख पौधे लगाए जाएंगे ताकि शादाब माहौल मज़ीद बेहतर हो सके कैमरा मैन के साथ बाबर हुसैन सच न्यूजम